5 कोटी टंका व्ययरे निर्मित मातृ और शिशु स्वास्थ्य केन्द्र लोकंको कामरे आसुनी। एही गोटिए प्रकल्प 3 थर उद्घाटन होईछि किंतु आज पर्यंत कार्यक्षम होइनी। एभली दृश्य देखा मिली कटक जिला सालेपुर ब्लॉक रे। स्वास्थ्य केन्द्र भूत कोठी रे परिणत होबाकु बसीथिला। परे एही केन्द्र को कार्यक्षम करागला किंतु आज पर्यंत सेठारे अस्त्रोपचार होई पारु नाही। केउठी गच्छ उठिलानी तो आउ केउठी काच फाटी गलानी। एही स्वास्थ्य केन्द्र रे शिशु रोग विशेषज्ञ सर्जरी मेडिसिन निश्चेतक डाक्टर नियुक्ति होई नाहंती। स्त्री और प्रसूति विभाग जी भी अच्छा से होती ब्लॉक पब्लिक हेल्थ ऑफिसर। उद्देश्य थिला सालेपुर महांगा निश्चिंत कोईलीर महिला रेफराल हुई कटक आसवाक पड़बनी। सेठारे सेमानंक पाई आईसीयू ठारु आरंभ करी शिशुंक पाई एसएनसीयू व्यवस्था रहिब किंतु आज पर्यंत केवल कोठारे सीमित रही मातृ और शिशु स्वास्थ्य केन्द्र। स्वास्थ्य विभाग से नजर दौना केवल शिलान्यास आउ थे करोकसार परिणत कर मोर दाबी रे सस्ता राजनीति को छाड़ी से कमती केन्द्र शिशु मातृमंगल केन्द्र केमी चलो एवं एटी पखापाखी 5टी ब्लॉक रे जो असुविधा रोच कारण सिटी हॉस्पिटल को छाड़ीदे ये सेवली सेवार सुविधा कौन से ना। सालेपुर जो रेफरल सेंटर करागला एथे डॉक्टर किशोर चंद्र दास जे सीडीएमओ कटक थिले सेतेबेले सी एटा को करथिले कहीं ये जो अंचल 8-10 लक्ष लोक ये रोचान्ति महिला माने अच्छा शिशु माने अच्छा से मानकू कटक नहीं कि ट्रीटमेंट करवा कष्ट होता से गोटे बड़ उद्देश्य रखिकी से प्रपोजालटा एक्सेप्ट होता केवल घर करवा घर भांगा आ घर भांगिगला रिपेयर कर ठिकादार पोषा आठी ना डाक्तर दौंट ना इक्विपमेंट दौरान। जो उद्देश्य रे स्वास्थ्य केन्द्र करागला से उद्देश्य पूरण हेला नाही। एठी प्रश्न उठुची प्रचार प्रसार ना ठिकादार को पाई एहा करा जायतिला। एठारे तुरंत डाक्टर नियुक्ति करी स्वास्थ्य केन्द्र को कार्यक्षम करिबा पाई अंचलवासी दाबी करिछंती। निश्चित भाव ए कथा करतने भित्तभूमि जदि सुदृढ़ डाक्तर माने काई रहिबेनि डाक्तरखाना काई रहिबेनि ये होची हमर प्रश्न। सब जगह बर्तमान से व्यवस्था चलती आप देखिए बड़ बड़ कोठा तैयारी होती किंतु मास्टर ना तेणु एटी से घर तैयार डाक्तर ना केवल लोक प्रहसन देखते तो तार जो स्टाफ कि जो डॉक्टर जो पारामेडिकल स्टाफ एम सब पोस्टिंग होना तो सरकार से पोस्टिंग कले कार्यक्षम हो स्वास्थ्य केन्द्र कार्यक्षम हो ताकू ही अपेक्षा। सालेपुर प्रदीप परिजांक रिपोर्ट न्यूज 7।